अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 लॉगरिदम एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन है हमारा 6। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लॉग, बेस है ए, देन यहाँ पर एक अपॉन में वैल्यू दी हुई है और वैल्यू क्या है, एक रूट है, रूट के अंदर है एक्स वाई, वाई के ऊपर है पावर -1, देन है जेड, जेड के ऊपर है पावर -2, बाहर वैल्यू 5 है, देन नीचे स्मॉल ब्रैकेट है उसमें है एक्स पावर है -1, वाई पावर है -2 एंड जेड पावर है -3 और इसके ऊपर पावर है 1/6। तो चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूट को ख़त्म करेंगे और इस डिवाइड को चेंज करेंगे माइनस में। जैसे कि रूल नंबर 2 है लॉग का, जब भी डिवाइड हो रहे होते हैं लॉग तो वो आपस में क्या होते हैं, माइनस। लॉग बेस में ए आ गया, एक्स वाई -1 ऊपर आ गया, जेड -2 हो गया और पावर आ गई ऊपर 1/5। रूट को हमने कर दिया ख़त्म, देन माइनस लॉग बेस के साथ आ गया। अब यहाँ पर एक्स -1, वाई -2 एंड जेड -3 और बाहर पावर आ गई 1/6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर की जो पावर है वो अंदर से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बेस के साथ एक्स के साथ आएगा 1/5, वाई के साथ आएगा -1/5, जेड के साथ आएगा -2/5, यानी ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, -2/5। अब ब्रैकेट क्लोज, माइनस लॉग बेस के साथ आ गया। अब यहाँ पर 1/6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x के ऊपर पावर आ जाएगी 1/6, माइनस का 1/6 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, y के ऊपर आएगा -2/6 एंड z के ऊपर आएगा -3/6। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर चाहें तो हम इसे मज़ीद काट कर शॉर्ट कर सकते हैं, मगर हम इसे नहीं कर रहे क्योंकि हम इसी तरह रखेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। मज़ीद सॉल्व करेंगे आगे, लॉग हर किसी को दे देंगे और आर्ग्यूमेंट्स की पावर शुरू में आ जाएंगी। रूल नंबर 3 के मुताबिक 1/5 लॉग बेस ए एक्स, डन। मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर 1/5 माइनस का 1/5 है तो ये माइनस इस प्लस से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। ओके, तो यहाँ पर हम प्लस को हटा कर लिख देंगे माइनस, माइनस 1/5 लॉग ए देन वाई, फिर यहाँ पर प्लस आना चाहिए मगर प्लस इस माइनस से होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 2/5 लॉग ए देन जेड, यहाँ पर है माइनस। अब ये माइनस अंदर वाले तमाम माइनस से होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/6 लॉग ए एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 2/6 लॉग ए वाई, माइनस माइनस प्लस 3/6, बाकी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लॉग ए एंड देन जेड। अब यहाँ पर इसका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम के लिए एक्स वाई और जेड इन तीनों को पहले हम अलग अलग कर लेंगे, यानी हम ऑर्डर वाइज लिख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/5 लॉग ए एक्स, फिर यहाँ पर एक्स वाला कहाँ गया, दूसरा ये रहा प्लस का है, प्लस 1/6 लॉग ए बेस है एंड देन एक्स, फिर माइनस 1/5 वाई वाला लिख रहे हैं हम अभी y, फिर यहाँ से प्लस 2/6 लॉग ए y,
देन यहाँ पर है z की वैल्यू यानी माइनस टू अपॉन फाइव लॉग ए z, फिर प्लस थ्री अपॉन सिक्स लॉग बेस a और z। हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि जब आप बची हुई वैल्यू जब नीचे लाइन में लिखेंगे तो उसके बाद यानी उसके बराबर में इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अक्सर बच्चे इक्वल यहाँ भी लगा देते हैं, इक्वल इक्वल लगाते जाते हैं जहाँ जहाँ लिखा होता है, तो साथ साथ आप जब क्वेश्चन करते जाएं तभी इक्वल लगाते जाएं, क्योंकि आप बाद में जब सबके इक्वल लगाएंगे तो आप यहाँ भी इक्वल लगा देंगे और इससे आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आप अपना क्वेश्चन कॉपी में देखते जाएं ताकि आप फॉलो कर सकें इसे, ठीक है। अब यहाँ पर है x की जो वैल्यू है उसमें जो नीचे वाली वैल्यू है 5 एंड 6, तो उसका हम जब एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 30, ओके। अब हम एलसीएम करने का मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ कि अब ये 30 है, हम ये देखेंगे कि ऊपर वाले जो दो x हैं यहाँ पर 5 और 6 है नीचे, ठीक है। अब 5 और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे जो है ये 30 आए, ठीक है। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो उस 6 की वैल्यू को हम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 अपॉन 5 है। तो 30 वैल्यू लाने के लिए हम ये चेक करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आएगा। तो हम जब 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो हम 6 को 5 के ऊपर यानी 1 वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6, ओके, 6 log a x, ओके, दरमियान में आ जाएगा प्लस, क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्लस है। अब दूसरी वैल्यू के भी हम यही देखेंगे कि 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 30 आए, क्योंकि नीचे हमारा 30 आया हुआ है। तो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, तो हम उस 5 को ऊपर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 5 log a x, ओके, माइनस, दरमियान में है माइनस का साइन, इसके बाद अगेन आगे वैल्यू है 6 एंड 5, उसका भी आएगा 30, इसी तरह उसको भी करेंगे 35 से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 6 log बेस a, मगर आर्ग्यूमेंट y आएगा। फिर आ जाएगा माइनस, अंदर तो प्लस है मगर माइनस वहाँ अंदर वाली साइन से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 जिस तरह हमने पिछले देखा, तो 6 को 5 से करेंगे तो 30, तो 5 को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 से, तो 2 5 का हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 log a then y, इसके बाद है अगेन माइनस एंड नीचे अगेन एक LCM आएगा 30। अब हम देखेंगे कि वही 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 30 है, 5 को हम 6 से करेंगे तो 30 आएगा। अब 6 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 हो जाएगा 12 log बेस एन जेड माइनस, अब यहाँ पर अगेन 6 है तो 6 5 जो 30 होता है, तो 5 को जब हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 15, यानी कि 5 3 जा 15 हो गया 15 यहाँ पर, और ये log a z। अब नीचे सॉल्व करेंगे, तो नीचे सॉल्व करने के लिए हम 6 और 5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 30 log ऑफ x टू द बेस a। अब यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आएगा, आप कहेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर होल्ड ऑन, यहाँ पर 10 में से 6 जाएंगे जब, तो माइनस का 4 रह जाएगा, तो यहाँ पर बच गया ना 4। अब यहाँ पर 30 नीचे इसी तरह आएगा, देन log ऑफ y टू द बेस a आ गया। अब यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, 12 15 में से जाएंगे नहीं जा सकते, 15 में से 12 जाएंगे, तो हमारे पास आंसर रह जाएगा माइनस का 3, मगर यहाँ पर है माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 एंड नीचे आ गया 30, ओके, 11 अपॉन 30 इसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये कट नहीं सकता,
माइनस फोर अपॉन थर्टी कट सकता है, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, तो यहाँ पर आ गया टू अपॉन फिफ्टीन लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए, प्लस यहाँ पर आ जाएगा थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टेन ज़ा थर्टी, तो वन अपॉन टेन लॉग ऑफ जेड टू द बेस ए, यहाँ पर हम आगे लिख लेंगे लॉग ऑफ जेड टू द बेस ए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है मगर आप इसे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, आसान हो जाएगा आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।